बाबू कुछ करोगे? बाबू भी चला रहे दिखा रहा है। और एक और है, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक लाइक। अब वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल घंटी दबा दीजिए ताकि आपको वीडियो पता चले, ताकि आकृति का वीडियो पता चले कि आकृति क्या क्या कर रही है। हाँ, अभी पूरा जो है टीचर साफ करना है, टीचर साफ करना है तुम्हें। अभी लंच भी बन रहा है और आज ऑफिस से थोड़ा जल्दी आ गए क्योंकि मैं बोली थी कि आप थोड़ा जल्दी आ जाएगा, काम बहुत ज़्यादा है घर पर। तो आकृति को घूमने जाना था और नहीं रह गए तो घुमाने, तो इसीलिए आकृति बहुत गुस्सा थी। और दोनों लोग मिलकर देखे कि क्या क्या इनके साथ कर रहे हैं। तो जैसे ही हम अपना लंच बना लेंगे उसके बाद अपने किचन की सफाई स्टार्ट कर देंगे। और किचन साफ़ करना, लेकिन क्या बोलते हैं, कंटेनर चाहिए, कंटेनर तो भी पास में नहीं है। तो हम सोच रहे कंटेनर आ जाए उसके बाद ही सफाई कर दो। देखिए जब तक कंटेनर नहीं आएगा नहीं करेंगे। तो देखिए कब लाते हैं कंटेनर, तो जब कंटेनर आ जाएगा उसके बाद हम सफाई करेंगे। तब तक हम अपना लंच बना लेते हैं और मैं लंच बना रही हूँ। अपना ये लोग इनको परेशान कर रहे हैं और ये भी मस्ती कर रहे हैं साथ में। बच्चों को तो यही लगा रहता है, कभी कुछ करते रहते हैं साथ में और टाइम पास भी हो जाता है। और दोनों लोग को अलग अलग प्रॉब्लम है। बाबू को प्रॉब्लम ये है कि उसका साइकिल नहीं बनवाया जा रहा है। और आकृति को प्रॉब्लम ये है कि आकृति को छोड़ के चले गए थे बाबू को लेके घुमाने और आकृति नहीं घूम पाई थी। तो आकृति उसके लिए बाबू से लड़ाई कर रही थी कि मैं नहीं गई घूमने और तुम अकेले चले गए। और बाबू इसलिए अपने पापा से गुस्सा हो रहा है कि उसका साइकिल पूरे एक हफ्ते से बोल रहा है कि बनवा दो पर वो साइकिल नहीं बनवा रहे हैं, इसके लिए वो गुस्सा है उनसे। और हम लोग को मज़ा भी आ रहा था कि मतलब इतना छोटे छोटे लोग, इन लोग को पता चल रहा है कि अपनी साइकिल बिगड़ गई तो बनवाना है। आकृति को मैं समझा भी रही थी, मना भी रही थी, लेकिन नहीं मान रही थी, परेशान कर रही थी। और कभी कभी तो इतना ये लोग परेशान कर देते हैं कि मन करता है दो तीन थप्पड़ जड़ दो गाल पे। लेकिन बच्चे तो हैं, बच्चों को मारने से अगर सुधर जाए तो फिर लोग मार के ही सुधार लेंगे। इसलिए मैं यही सोच के जल्दी हाथ नहीं उठाती हूँ। बहुत गुस्सा जब दिला देते तभी मैं इन लोग को मारती हूँ, तो ऐसे नहीं मारती हूँ। और बाहर से लोग रस्सी दुपट्टा और जितने भी बांधने वाले सामान लोग ढूंढ ढूंढ के ला रहे हैं उनको बांधने के लिए। और इन लोग को इतना नहीं पता कि लोग के बांधने से थोड़ी बंध जाएंगे, लेकिन इन लोग को ऐसा समझ में आ रहा है कि हम लोग बांध रहे हैं तो पापा बंध जा रहे हैं। और इसीलिए ये लोग बहुत मस्त हैं और खुश हैं कि देखो हम लोग बांध दिए। लेकिन इन लोग को नहीं पता कि लोग का गांठ कितना पड़ेगा नहीं पड़ेगा। जैसे लग रहा है कोई बड़ा आदमी छोटे बच्चों को बांध रहा है वैसे लोग बांध रहे हैं। और मम्मी गई है मायके क्योंकि उनके भतीजा को लड़की हुई है और हम लोग को भी जाना है। तो हम लोग शायद कल या परसों निकलेंगे, अभी घर पर बहुत सारा काम है इसलिए हम लोग नहीं गए, नहीं तो हम लोग साथ में ही गए होते। तो जो हमारा घर का काम पूरा हो जाएगा उसके बाद ही हम जाएंगे। तो मैं अपना लंच बना लेती हूँ जल्दी से क्योंकि लंच के बाद भी और सारा काम है। फिर मैं आप लोग से मिलती हूँ। अरे अरे और दिखा दे, ये देखो आकृति बनी है घोड़ा और बाबू सवारी कर रहा है ना। अरे उसको कपड़ा क्यों निकल रहा है? आकृति इधर देखो, चल देखे लंच देने। आँख दर्द कर रहा है बहुत, पता नहीं आँख निकल के आ गया। धूल इतना ज़्यादा उड़ रहा था कि आँख ऐसे खुला ही रह गया था कि, और बहुत ज़्यादा धूल पड़ गया है। तो अभी देखते हैं क्या हुआ है, जो तो यहाँ पर धूल ज़्यादा पड़ गया है। तो अभी मायके से फोन आया मेरे सिस्टर का, तो बात कर रहा था, मैं चल रही हूँ, थोड़ी देर बैठी
अक्सर जब लंच बनाते हैं तो मेरे कपड़े वैसे भीग जाते हैं, थोड़ी देर फैन के आगे बैठे तो सूख जाएगा, उसके बाद फिर हम लंच करके बाबू हम गिर जाएंगे। आदित्य इधर आ जाओ, इधर आओ, इधर आओ। आकृति बाल बहुत कम झाड़ती है क्योंकि आकृति को बाल पसना अलाउ नहीं है। आकृति को भूत बनना अच्छा लगता है ना आकृति? तो अभी ये नहा लिए हैं, कपड़े चेंज कर लिए हैं और बाबू आकृति भी साथ में दोबारा एक बार फिर से नहाए हैं, जबकि सुबह वो लोग नहा लिए थे लेकिन दोबारा फिर से नहाए हुए हैं और वो लोग लंच कर लिए हैं। बस हम और यही दो लोग बाकी थे लंच करने के लिए, तो हम लोग भी लंच कर लेते हैं और लंच करने के बाद मैं थोड़ी देर आराम करूँगी, उसके बाद फिर मैं अपने किचन की जो सफाई उसको करूँगी। तो मैं इसलिए भी किचन ऐसे साफ कर रही थी क्योंकि कंटेनर जो है नहीं आएगा, तो फिर मैं अगर बर्तन निकालूँगी तो फिर से इधर उधर फेंका जाएगा, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ आज तो साथ में नए वाले बर्तन एडजस्ट कर दूँगी और पुराने वाले जो निकाल दूँगी, क्योंकि सबका मन कि मैं जो चीनी मिट्टी वाले बर्तन है सब निकाल दूँ और पुराने वाले जो बर्तन है उसको मैं हटा दूँ। तो इसलिए मुझे किचन की सफाई करनी है, तो जब तक कंटेनर नहीं आएगा मैं हाथ नहीं लगाने वाली। तो अभी देखिए कब तक ला देते हैं, कल बोले थे आज लाने के लिए, आज बोल रहे शाम को, तो देखिए कितने शाम और कल बीतते हैं। तो फिर मैं लंच कर लेती हूँ, आप लोगों से मिलती हूँ, आइए आप लोग भी लंच कर लो साथ में। इतना गाने के बाद अब लास्ट में कंटेनर आ ही गया, तो रात हो गया है इसलिए मैं नहीं अभी सफाई करूँगी, सुबह में सफाई करूँगी और सुबह में जब मैं लंच बना लूँगी शायद उसके बाद ही सफाई स्टार्ट करूँ। और क्या बोलते हैं, अभी हमको डिनर बनाना है ना, तो मैं सफाई कर ही लेती, तो मैं डिनर बनाने जा रही हूँ लेकिन इनका मन है कि डिनर ना बने, हम लोग चले बाहर खाने के लिए, तो अभी तो मैं मना कर रही हूँ, अगर नहीं मानेंगे तो जाना ही पड़ेगा। और आप लोग बाबू को देख ही रहे हो कि बाबू इधर से उधर उधर से इधर अपना टहलना स्टार्ट कर दिया है और आइसक्रीम वाला बन के आइसक्रीम बेच रहा है। और क्या बोलते हैं, हाँ ये नहीं है, अभी थोड़ा बाहर गए हैं काम से, आएंगे तो उसके बाद सबका प्लान बन गया है बाहर जाने के लिए खाने के लिए। तो अभी भाई का फ़ोन आया था, बोल रहा था कि रेस्टोरेंट में खाने से ज़्यादा कोरोना फैल रहा है, तो किसी की बातों से तो मानने वाले हम लोग हैं नहीं, अगर मन है तो खाने का तो जाएँगे ही। तो अभी मैं चल रही हूँ तैयार होने, उसके बाद हम लोग चलेंगे थोड़ी देर बाहर और खाना ना खा के ही बाहर से आएंगे। और ये वाला वीडियो जूतिया के दिन का है, मैं थोड़ा सा बना के रखी थी पर मैं वीडियो नहीं बना रही थी इसलिए इसको नहीं एडजस्ट के लिए तो दिखा दी होती, तो मैं मुश्किल से एक मिनट का होगा इसलिए इसको नहीं ऐड की किसी वीडियो में, तो सोची मैं दिखा दूँ। जूतिया इसे हम लोग यहाँ कुछ इस बार अच्छे से नहीं मनाया है, आप लोग को पता ही होगा कि हम लोग के बगल में एक लोग का डेथ हुआ था, तो इसलिए बस नॉर्मली तरह से ही पूजा हुआ है, बस थोड़ा सा फल है और साड़ी, बस इस तरह से ही जूतियाँ मनाया गया है। और उसके बाद उसके सुबह वाला भी थोड़ा सा वीडियो मैं ली हूँ, तो ये जूतिया के सुबह वाला वीडियो है। हम लोग के सारे फैमिली मतलब बड़े ससुर और मेरे घर का दोनों लोग का पूजा एक साथ ही होता है और मम्मी इसे व्रत रहती हैं, ऐसा यहाँ पर बोला जाता है कि जो सबसे बड़ा से कोई व्रत रह सकता है तो मम्मी व्रत रहती है और अभी सबका प्रसाद ही बांट रही है। तो चलिए ठीक है, हम लोग तैयार हो गए और निकलते हैं बाहर डिनर के लिए। तो अभी हम लोग आ गए हैं बाहर डिनर करने के लिए और बाबू आकृति और गौरा रानी भी हम लोग के साथ में निकल गई हैं, क्योंकि कहीं भी जाती है अगर ये देख जाती है तो मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाली है, ये भी साथ में जाती है। तो हम लोग चल रहे हैं, आ गए बाहर और उसके बाद डिनर करके निकल जाएंगे घर, कहीं भी कहीं घूमना नहीं है, बस सिर्फ डिनर के लिए ही सब लोग आए हैं। तो अभी हम लोग का आ रहा है और इसलिए हम लोग बैठे हैं, तो हम लोग का रोटी और मटर पनीर वाला सब्जी है, बाकी लोग का डोसा है। पानी ले लो,
पानी ला ना बाय बाय तो बाय हां जी चलो मत जा आप लोग देख भी सकते हो कि रेस्टोरेंट एकदम पूरा खाली खाली है। बस एक लोग की फैमिली थी और हम लोग की फैमिली थी, बाकी पूरा रेस्टोरेंट खाली था और अच्छा भी लग रहा था। और ख़ास तर हम लोग यहीं पे अक्सर जाते हैं लंच हो या डिनर करने, क्योंकि हम लोग को यहाँ पर बहुत शांति सुकून मिलता है। तो डिनर के बाद हम लोग निकल जाएँगे घर। कोई भी हो, सुबह उठ के फटाफट काम करना स्टार्ट नहीं कर देता। थोड़ा आलस तो सबके यहाँ भी आता होगा, मुझे भी आता रहता है। तो मैं जब सुबह उठती हूँ तो ब्रश व्रश करने के बाद थोड़ा सा हम लोग इस तरह से मस्ती कर ही लेते हैं। और अभी ये सोए थे, मैं इनको बोल रही थी कि उठिए उठिए, नहीं उठ रहे थे। और अभी हम लोग मम्मी वाले रूम में हैं तो सोए थे, बोल रहे थे कि ड्यूटी नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, तो उसी का मजा ले रहे थे कि अभी बोल रहे कि नहीं जाएंगे। और जैसे ही 8:30 बजे तुरंत उठ के तैयार हो जाएंगे, तो उसी पे हम लोग हंसी मजाक कर रहे थे। और अभी हमको बनाना है ब्रेकफास्ट, तो चलिए मैं अभी जा रही नहाने। और झाड़ू पोछा हम लोग का हो गया है, सिर्फ हमको नहाना है, पूजा करना है। और जूतिया और का प्रसाद था तो अभी हम लोग कुछ बांट दिए, कुछ बचा है क्योंकि हम ही दो लोग हैं और ज़्यादा कितना हम लोग प्रसाद खाएँगे, इसलिए थोड़ा ज़्यादा हो गया था हम लोग के पेछा में प्रसाद, इसलिए बचा है। तो अभी मैं चल रही हूँ नहाने, नहाने के बाद फिर हम लोग सॉरी मतलब मैं चलूँगी ब्रेकफास्ट बनाने। और आज किचन की सफाई भी करनी है, तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में। और मुझे बनानी है मटर की सब्ज़ी, दाल जो भी आप बोल लो। तो ये हरी वाली मटर है, ठंडे वाले दिन में जो हरी वाली मटर थी उसको छिलके इस तरह से कुछ दरदरा कूट के और धूप में सुखा के रख लिया जाता है, फिर बरसात में बनता है। तो मैं सोची हूँ कि दाल सब्ज़ी और पूड़ी या रोटी जो है साथ में बना लूँ, बाकी चावल मैं दोपहर को बनाऊँगी किचन साफ़ करने के बाद। तो मैं स्टार्ट कर देती हूँ, मैं पहले दाल को अच्छे से पीस लेती हूँ। तो मैं दाल को पीस ली हूँ और एक तरफ मैं सब्जी बनाना स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि 8:30 बज गया है। तो मैं ब्रेकफास्ट और लंच वाली दाल साथ में ही बनाना स्टार्ट कर दी हूँ। तो मैं पत्ता गोभी की सब्ज़ी और पूड़ी बनाऊँगी, और दाल को जैसा कि मैं बताई तो दाल भी बना लेती हूँ। आप इसका मटर का दाल सब्जी जो चाहे वो भी बोल सकते हो। तो अभी मैं पत्ता गोभी की सब्ज़ी पहले बना लेती हूँ, तब तक दाल वाला तेल गर्म हो रहा है। तो मैं पहले तेल ऐड कर दी, फिर पंचफोरन, फिर प्याज अदरक और मिर्च को कट डाल दी, और उसके बाद फिर मैं पत्ता गोभी को डाल दूँगी जैसे ही हो जाएगा। और पत्ता गोभी को डालने के बाद मैं टमाटर एक दो कट की हूँ। तो अभी दाल वाला भी तेल गर्म हो गया, तो मैं इसमें भी पंचफोरन ऐड कर दी। और उसके बाद इसमें मैं एक बड़िया ऐड कर देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा बड़ी मैं नहीं ऐड कर रही हूँ। मम्मी अगर दो ऐड करती है, अभी मम्मी नहीं है तो सिर्फ एक से ही ऐड का काम चला देती हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा नहीं खाते हैं, बड़ी मुझे ही पसंद है। तो मैं बड़ी को डाल दी, और उसके बाद प्याज मेरा अच्छे से हो गया है, आप लोग देख सकते हो। तो मैं इसमें पत्ता गोभी को डाल देती हूँ, और इधर दाल वाला तेल भी गर्म हो गया है। तो एक साथ दो दो काम हो गया करने के लिए, थोड़ा जल्दी में ही हूँ। तो पत्ता गोभी मैं ऐड कर दी, और इधर तेल गर्म हो गया तो मैं जो दाल पिसा उसको डाल देती हूँ। तो मैं इसमें लहसुन अदरक मिर्च प्याज और हींग हल्का सा साथ में डाल के पीसी हूँ, और आकृति को आप लोग देख सकते हो चेयर पर चढ़ के साथ में चला रही, मना करने के बाद भी नहीं मानती है, भले जल जाए लेकिन अपने हाथों से बाज नहीं आने वाली है। तो मैं पत्ता गोभी को अच्छे से चला लेती हूँ, और उसके बाद मैं इसमें हल्दी नमक हल्का सा मसाला और टमाटर को डाल के बंद कर दूँगी सीटी, और मैं पानी थोड़ा भी ऐड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि पत्ता गोभी एकदम ताज़ी खुद ही पानी छोड़ेगी कुकर में, इसलिए मैं पानी नहीं ऐड की हूँ।
और आकृति जलने के लिए आप लोग देख सकते हो कि नहीं तंदूरा भी डर रही है, अपने जिद पे अड़ी हुई है। तो मैं टमाटर भी ऐड कर दी और मसाले भी ऐड कर दी। तो अब मैं सोच रही हूँ कि अच्छे से चला के इसको सीटी लगा दूँ ताकि अपना पकता रहे, तब तक अपने जो दाल में उसको बना लूँ। अगर किचन नहीं साफ़ करना था तो मैं चावल दाल दोपहर को ही बनाती, लेकिन किचन साफ़ करना है इसलिए सोच रही हूँ कि थोड़ा काम कर लूँगी तो आसान रहेगा, सिर्फ चावल ही बनाना रहेगा, नहीं तो किचन सफाई में ज़्यादा टाइम लग सकता है। और आज थोड़ा मार्केट भी जाना है, हम लोग का प्लान कल के लिए बन गया है मामा के यहाँ जाने के लिए, मतलब मम्मी जी के मायके, तो मार्केट जाना है वहाँ पर जो बाबू है उसके लिए कपड़ा लेने के लिए। तो इसलिए आज काम थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी निपटा लेती हूँ काम को। और दाल हमारा थोड़ा सा अच्छे से भून जाएगा तो मैं इसमें ऐड कर दूँगी नमक, उसके बाद हल्दी और एक आलू मैं कट करके रखी हूँ उसको भी ऐड कर दूँगी। और मसाला मैं नहीं ऐड कर रही हूँ, मैं सिर्फ नमक और हल्दी ही ऐड कर रही हूँ। तो इसको मैं 3 से 4 मिनट तक ऐसे चला के भून लूँगी धीमी आँच पे ताकि अंदर से लगे ना। और 3-4 मिनट बाद मैं इसको एक बार चेक कर लेती हूँ, तो देखती हूँ आप अच्छे से अगर भून जाता है तो फिर मैं इसमें पानी को ऐड करके इसको अच्छे से मिला लूँगी। और इधर हमारा प्रेशर कुकर का सीटी देना भी स्टार्ट हो गया है और इधर हमारी दाल भी अच्छे से भून गई है। अब इसको मैं अच्छे से चला लेती हूँ और उसके बाद इसमें अब मैं पानी ऐड कर देती हूँ। तो पानी आप अपने हिसाब से रख सकते हो, हम लोग 2 लोग हैं और मैं बड़ी वाली भाभी, मैं उनको भी थोड़ा सेव वाला डाल दूँगी, इसलिए थोड़ा पानी 3-4 लोग के हिसाब से ही ऐड करूँगी। और मैं धनिया कट कर लेती हूँ पत्ता गोभी की सब्ज़ी के लिए और मैं कढ़ाई चढ़ा दी हूँ पूड़ी बनाने के लिए। तो हमारा दाल जो है वो भी अच्छे से भून गया, मैं इसमें ऐड कर दी हूँ पानी। और जैसे एक उबाल आएगा इसमें मैं इसमें हरा पिसा हुआ धनिया ऐड करूँगी। तो मैं हरा पिसा हुआ धनिया रख ली हूँ पीसकर, अब इसको जब दाल में उबाल आना स्टार्ट होगा उस टाइम पे ऐड कर दूँगी। तो हमारे साथ तेल गर्म हो गया, मैं तब तक पूड़ियाँ बना लेती हूँ। तो पूड़ी बनाने के लिए पहले चकवा कर लेती हूँ। तो डेली का रूटीन तो यही है सबके घर का, सुबह में सब लोग को ही थोड़ा जल्दी लगा रहता है क्योंकि चाहे जितना भी आप कर लो लेकिन सुबह वाले काम से आप बिल्कुल पीछे नहीं भाग सकते, उसको तो करना ही करना है। दोपहर में अगर लंच के लिए आप थोड़ा सा इधर उधर कर लोगे, लेट भी कर लोगे, लेकिन सुबह 9:30-9 बजे तक तो सबके यहाँ पे ब्रेकफास्ट बनना ही होता होगा मेरे ख्याल से। तो मैं यही जानती हूँ क्योंकि सुबह सबके यहाँ कोई जॉब वाला कोई कुछ है। और यहाँ मेरा सीटी निकल गया है तो मैं सब्ज़ी को अच्छे से मिक्स कर दी हूँ, फिर इसमें ऐड कर दी धनिया और अब अपनी पूड़ी में बना लेती हूँ। तो आप लोग देख सकते हो पहले पत्ता गोभी की सब्ज़ी को तो मैं इनके लिए सब्ज़ी निकाल दी और पूड़ी में तल ली थी, तो पूड़ी भी निकाल ली। तो आप लोग मैं लगे इनको ब्रेकफास्ट दे दी। और इधर जो है मेरा दाल भी हो गया तो मैं पिसा हुआ जो धनिया था उसको ऐड कर दी हूँ और अब दाल भी मेरा अच्छे से पक गया है। तो मैं अब इसको गैस बंद कर देती हूँ क्योंकि धनिया डालने के बाद मुझे ज़्यादा इसको नहीं पकाना है, बस हल्का ही पकाना है क्योंकि धनिया का स्वाद बिल्कुल रहना चाहिए। तो सारे काम अभी हो गए हैं और बस बाकी रह गया चावल बनाना। तो चावल बनाने के लिए टाइम है, सफाई कर लेती चलती। तो जो ड्रम आया है मैं जा रही हूँ जो पुराने बर्तन को हटाने और जो हमारे नए वाले बर्तन है वो सेव करने जा रही हूँ। चलिए मैं तो लगा रही हूँ। तो जो हमारे किचन के सफाई वाले काम है मैं उनको स्टार्ट कर दी हूँ। तो मैं नीचे वाले रैक से स्टार्ट की हूँ, तो मैं पहले थाली को हटा रही हूँ और बाबू आ गया जेली लेके, तो मेरा भी मन कर दिया खाने के लिए, देख मैं चकली और आकृति भी आ गई साथ में। तो पहले मैं थाली वाले रैक को स्टार्ट की हूँ, तो थाली वाले रैक से सफाई कर रही हूँ और पहले मैं थाली को अच्छे से स्टैंड पर लगा देती हूँ, फिर उसके बाद सेकेंड वाला स्टैंड साफ करूँगी जिसमें हमारे भगोने उगोने आते हो, थर्ड वाले में चम्मच होना है बेलन ये सब रहता है। तो नीचे से थर्ड है, ऊपर से फर्स्ट है, फर्स्ट में चम्मच वम्मच रखा जाता है। तो हम नीचे वाले से ही स्टार्ट किए क्योंकि ज़्यादा इसी में बर्तन भरा था, इसमें इतनी ज़्यादा थालियाँ हो गई थी कि जगह ही नहीं था कि हम ये वाली थाली एडजस्ट कर पाए, इसलिए हमको इसको इस हटाना पड़ा तुरंत, ताकि मैं सोची पहले इसको हटा लूँगी तो जल्दी से काम हो जाएगा। और मैं इसको साफ कर ली तो मुझे लगा बहुत जल्दी काम ख़त्म हो गया क्योंकि ज़्यादा काम मुझे इसमें ही दिखाई दे रहा था। और रही बात आकृति की, तो कोई काम करने चलो तो ये आप लोगों को मेरे साथ साथ दिखाई देती ही होगी। इनकी उम्र तो नहीं है काम करने की, लेकिन अपनी उम्र के हिसाब से कुछ ज़्यादा ही कर लेती हैं ये काम को। तो हम सेकेंड वाला भी साफ़ कर लिए, अब थर्ड वाला साफ़ कर रहे हैं जिसमें कि हमारे चम्मच उम्मच हैं। तो ऊपर से फर्स्ट है, नीचे से थर्ड है, तो ये वाला साफ़ हो गया। अब हम चलते हैं अपने दूसरे पार्ट के साइड में, तो उस वाले साइड में हम कटोरिया वटोरिया लगा लेते हैं। तो इसको हम ऊपर से साफ़ करना स्टार्ट कर दिए थे, तो कटोरी इससे लगा लिए और नीचे वाले में हम रख लिए दूध वाला भगोना और उसके बाद क्या बोलते हैं सेकेंड वाले में
हाँ सॉसपैन उसमें रख दें चाय वाला। तो ये रहा हमारा रैकर जो कि अब साफ़ हो गया है। तो आप लोग को हम सोचे दिखा भी दें इसको, तो देख लीजिए आप लोग इसे एक बार। तो ये रहा कुछ इस तरह से हम इसको सजाए हैं। और अब थोड़ा बर्तन कम हो गया तो अच्छा भी लग रहा है देखने में, तो इतना भरा भरा लग रहा था कि देखने में भी ख़राब लग रहा था। तो इसमें मैं चाय वाला गिलास और सॉसपैन केतली जो कटोरी उसको, और इसमें कटोरा कढ़ाई तवा और उसके बाद कुकर जो इसको मैं रख दी हूँ, और थर्ड वाला जो है इसमें मैं दूध का भगोना और टिफिन हॉटपॉट जो है उसको मैं रख दी हूँ। तो इस तरह से कुछ मैं किचन को साफ़ कर लिया। और अब मैं जा रही हूँ लंच करने, क्योंकि मार्केट जाने के लिए मुझे देर हो रहा है। तो मैं इनको दे दी हूँ, मैं भी फटाफट कर लेती हूँ लंच और उसके बाद फिर मार्केट से आती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। अभी मैं मार्केट से आ गई हूँ और मुझे अब करनी कल की तैयारी। तो कल जैसे कि बताई थी कि मामा के यहाँ जाना, तो उसकी तैयारी करना है। तो अभी हो गया है सुबह और सभी लोग नहा धो के लिए तैयार होना स्टार्ट कर दिए हैं। तो मैं पहले अपने साड़ी पहन ली हूँ, तैयार हो गई हूँ, उसके बाद आकृति और बाबू को तैयार कर रही हूँ। तो ये लोग ज़्यादा ही परेशान करते हैं, और कहीं भी जाना होता है ये लोग, मैं कितना भी कोशिश कर लूँ कि ये लोग जल्दी तैयार हो जाएँ, जल्दी तैयार हो जाए, लेकिन मुझे ये लोग डांट कभी ना कभी खिला ही देते हैं। तो मैं तुरंत पहले अपने तैयार हुई ताकि मुझे ज़्यादा टाइम ना लगे लोग को तैयार करने के लिए। उसके बावजूद भी ये लोग आधा घंटा तक टाइम ले लिए, और जैसे ही नहा कर आए तो मुझे ये सब डांट खिलाई दी, और ये बोलने भी लगे कि कितना देर से बच्चों को तैयार कर, एक को पकड़ो तो एक भागता है, एक को पकड़ो तो एक भागता है, इन लोग का ऐसा लगा रहता है। कभी कभी तो मुझे गुस्सा आता है, मन तो करता है छोड़ के चले जाओ, लेकिन किसके ऊपर मैं छोड़ के जाऊँगी। और मारने का भी मन करता है कभी कभी, लेकिन मैं हमेशा नहीं मार सकती हूँ। तो अभी मैं बाबू को पहना दी कपड़ा और आकृति को पहना दूँगी, फिर दोनों लोग का बाल बना दूँगी, उसके बाद फिर मैं अपने तैयार हो जाऊँगी। टाइम बना था सुबह में 8:30-9 बजे तक निकलने का, लेकिन इन लोग की वजह से हम लोग इतना लेट हो गए कि हम लोग 10 बजे के बाद ही निकले। तो इन लोग के यही हमेशा का नियम है, मतलब रात में सबका प्लान बनता है कि सुबह 7:30-8 जितना जल्दी उतना जल्दी कहीं के लिए हम लोग निकल जाएँ, ताकि टाइम से घर पे आ जाएंगे। लेकिन ये लोग इतना डिस्टर्ब कर देते हैं सुबह में कि इन लोग की वजह से हम लोग 9:30-10 के बीच में ही कहीं पे निकल पाते हैं, चाहे मायके हो, चाहे मामा का गांव हो, या कहीं घूमना हो, या कहीं दर्शन करने का प्लानिंग हो। तो हम लोग का नियम बन गया है, और मैं रात में ही समझ लेते कि हम लोग 9:30-10 बजे के पहले नहीं निकल पाएंगे। लेकिन इनका डांट खाने से बचने के लिए मैं अक्सर यही बोल देती हूँ, हाँ ठीक है मैं जल्दी तैयार हो जाऊँगी। तो जैसा कि अभी मैं बता दूं कि इस टाइम 8:30-9 बज भी रहे इन लोग के वजह से, तो अब इन लोगों को मैं तैयार कर दी और मैं अपने तैयार हो जाती हूँ। तेरा मेरा मेकअप बॉक्स, तो पहले मैं अपने बाल बना लेती हूँ, उसके बाद मेकअप करूँगी। तो बाल बहुत ज़्यादा उलझ गए हैं और भीगे हुए भी थे, तो सूखने के लिए थोड़ा टाइम ले रहा था, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ऊपर कर देती कि सूख जाए, और उलझ भी गया था। तो अभी बाल मेरा अच्छे से सुलझ गया है, तो अब मैं अपने बाल को बना लेती हूँ। तो मैं बहुत कम इस तरह से हेयर स्टाइल बनाती हूँ, लेकिन मैं सोची थी कि जूड़ा बना रही, इसलिए इस तरह से बना रही ऊपर। लेकिन फिर देखी थोड़ा ठंडी का मौसम है, तो मैं नहीं अपना बाल में जूड़ा बनाई, ऐसे खुला ही रहने दी। तो कुछ इस तरह से मैं अपना हेयर स्टाइल बना रही हूँ, और इस तरह से मैं अपना हेयर स्टाइल बना दी तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा चेहरा बहुत भारी भारी सा दिख रहा है, इसलिए मैं हमेशा साइड से मांग निकाल के हेयर स्टाइल बनाती हूँ। तो बहुत कम ही मैं इस तरह से हेयर स्टाइल बनाती हूँ, आप लोग बहुत कम मुझे देखे भी होंगे कि मैं जितना भी काम की या कहीं गई तो मेरा साइड से मांग निकला हुआ ही आप लोग देखे होंगे। कभी कभी मूड करता है कि मैं ऐसे जा रही हूँ, लेकिन बहुत अजीब सा लगता है, लेकिन मामा के यहाँ जा रहे हो तो वहाँ सर पर ही पल्लू रहेगा, इसलिए चाहे साइड वाला मांगो या ऐसे हो कौन सा दिखने वाला है, इसलिए कोई भी स्ट्रेस चल जाएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं अपना मेकअप। तो पहले मैं लगा ली हूँ लोशन, और चाहे कितना हो गर्मी हो लोशन तो मुझे लगाना ही पड़ता है, वरना जैसे ही मैं फाउंडेशन या कुछ लगाना स्टार्ट करती हूँ तो क्या बोलते हैं ड्राई सा स्किन हो जाता है, इसलिए मुझे लगाना पड़ता है। तो मैं जोबिस का सीसी क्रीम यूज कर रही हूँ, और दिन का टाइम है, फिर उसके बाद कोई पार्टी उटी तो है नहीं कि ज़्यादा मेकअप करके जाना पड़े, इसलिए मैं लाइटली मेकअप ही रख रही हूँ। तो मैं जोबिस का सीसी क्रीम लगा ली, उसके बाद फिर डेली यूज वाला पाउडर लगा लूँगी। तो उसके बाद पहले काजल लगा लेती, उसके बाद क्या बोलते हैं, हाँ डेली यूज वाला पाउडर लगाऊंगी,
तो आकृति को भी जो मैं करती हूँ करना चाहिए। कहा होता है कि माँ की परछाई बेटियाँ पर आती है, तो वाली हरकत आकृति का है कि मैं जो करती हूँ आकृति को भी चाहिए। बोले उसके लिए डांट मार खा जाओ, और नेक्स्ट टाइम की चेतावनी दे दी जाती है कि नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा करोगे तो मार खाओगे। लेकिन उसके बाद भी नेक्स्ट टाइम आता तो आकृति भूल जाती है, हम लोग की तो बात ही अलग है। तो मैं अब तैयार ही हो गई हूँ, बस थोड़ी देर में हम लोग निकल चलेंगे, नहीं तो फिर से डांट खाना पड़ेगा। और क्या बताएं इन लोग की शैतानी इतना चलता रहता है कि मैं बहुत परेशान भी हो जाती हूँ। कभी कभी तो ऐसा मन करता है कि तैयार हुए कपड़े छोड़ के बैठ जाऊँ, इतना गुस्सा ये लोग दिला देते हैं। और आप लोग के साथ भी ऐसा कभी ना कभी होता ही होगा, अगर आप लोग को कहीं जाना तो आप लोग के बच्चे तो इस तरह से डिस्टर्ब करते होंगे आप लोग को। तो फाइनली अब मैं तैयार हो गई और उसके बाद मैं पहन लेती हूँ चूड़ियाँ, और ये मेरा लास्ट है। और मैं मेकअप स्प्रे सोची कि कर ली, तो मैं मेकअप स्प्रे करने के लिए सोच रही हूँ कि मैं नहीं करूँगी, क्योंकि शायद रास्ते में इतना धूल उड़े तो मुझे बार बार चेहरा धोना पड़ेगा। तो फाइनली ये रहा मेरा मेकअप। तो आप लोग बताइए कैसा लग रहा है, मुझे कुछ खास नहीं लग रहा है, लेकिन आप लोग प्लीज़ बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। तो अब हम लोग निकल लिए, तो सवारी भी तैयार है और इधर सवारी लगी हुई भी है, और सवारी में बैठने वाले लोग भी लगे हुए। तो इन लोग के लिए इतना रास्ते में लेकर चलना पड़ता है जैसे दूध चिप्स और जूस, क्योंकि लोग इतना रास्ते पर डिस्टर्ब करते हैं कि इतना जहाँ पर भीड़ जहाँ पड़ेगा शुरू हो जाएगा चिप्स दिलाओ ये दिलाओ वो दिलाओ। तो इससे अच्छा कि घर से सारे सामान लेके जाओ कि इन लोगों को डिस्टर्ब ना करना पड़े, आराम से गाड़ी में खाते हुए निकल चले। तो मैं तैयार हो गई हूँ, अब उसके बाद इनका वेट कर रही हूँ। अभी ये घर के अंदर है, इनको मतलब पूरी जिम्मेदारी कि कैसे क्या करना है, बंद करना है, कौन जगह खोला रखना है, तो इसलिए अभी अपना सब फाइनल कर रहे हैं। तो हम लोग के लिए अभी जा रहे हैं गेट खोलने, और हम लोग कार में बैठेंगे, उसके बाद ये आएंगे तो ये भी बैठेंगे। तो अभी हम लोग चल रहे हैं बैठने और एक घर को बनाने ला करते रहे हैं, क्योंकि बाहर खड़ा रहना भी हमको अच्छा नहीं लगता है। अगर इससे अच्छा कि घर पे ही रहो या फिर बाहर निकलो तो तुरंत फोर व्हीलर में बैठ जाओ या जहाँ जाना चले जाओ। इस तरह से बाहर खड़ा होकर इधर उधर देखना मुझे बहुत अजीब सा लगता है। तो अब मैं भी चल रही हूँ बैठने, और उसके बाद फिर अभी आकृति की ड्यूटी लगी थी सामान लाने के अंदर से तो ला रही थी, अब मैं चल रही हूँ बैठने के लिए। और उसके बाद फिर जैसा कि हम बताए कि मामा के यहाँ जा रहे हैं, हम लोग तो निकलते हैं वहाँ, और हम लोग को लगता है कि वहाँ जाते जाते कम से कम 11 या 11:30 तो बज ही जाएगा। हम लोग के घर से 35 किलोमीटर दूर है, तो स्टार्ट करते हैं अपने घर के बाहर। तो अभी हम लोग अपने कॉलोनी से बाहर निकल चुके हैं, और एक कचहरी है। तो जो लोग बनारस से या लोकल एरिया से होंगे वो जानते होंगे इसके बारे में। तो कचहरी के बाद हम लोग जाएंगे चौका घाट, चौका घाट से फिर कैंट, कैंट से मड़ुआ दी से सिगरा, सिगरा से चितईपुर। तो हम लोग को एक्चुअली जाना है चुनार, क्योंकि हमारे सासू माँ का जो मायका है वो चुनार है, तो हम लोग चुनार जा रहे हैं। और हम लोग का घूमने का प्लान भी बना है, तो अगर टाइम रहेगा तो हम लोग घूमेंगे भी, क्योंकि बहुत दिनों के बाद हम लोग घूमने के लिए जाएंगे वहाँ पर। तो एक कैंट है, अभी हम लोग कैंट पहुँच गए हैं, उसके बाद कैंट के बाद आता है मड़ुआडी। तो मड़ुआडी के बाद फिर हम लोग क्या बोलते हैं, हाँ सिगरा आएगा। तो इस तरह से अब हम लोग आ गए मामा के यहाँ। तो अभी जो मामा के लड़के हैं उनको, जिसको लड़की हुई, हम लोग उनके यहाँ पर आ गए हैं, और बाबू आकृति दोनों लोग उसको छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और आप लोग देखो कितना तेज उसको झुला रहा है, आकृति भी उसको झुला रहे थे। अगर भैया जो वो नहीं पकड़े हुए तो फिर लोग उसका पता नहीं क्या बना देते। मतलब इन लोग को बच्चे पकड़ने का हैबिट नहीं है, लेकिन फिर भी लोग इतना शौक है बच्चे पकड़ने का, पूछिए मत। मुझे इतना डर लग रहा था कि उसको गिरा न दे, तो आकृति भी खिला रही उसको, और मुझे इतना क्यूट और प्यारी से लग रही थी कि क्या बताएं। आकृति तो बार बार इसको बोल रही थी कि ले चलते हैं घर पे, लेकिन मैं इसको जब बोली कि इसकी मम्मी भी साथ में जाएंगी, तो तुरंत करें नहीं कि मम्मी को नहीं ले जाना, इसको ले जाना। आकृति को और बाबू को बच्चों का इतना शौक है कि क्या बताएं। तो इन लोग का तो क्या बोलते हैं, हाँ जब तक बच्चे बच्चे रहेंगे तो इन लोग को तो हर चीज़ का शौक लगा रहता है, और जैसे ही बड़े हो जाएंगे समझ जाएंगे कि बच्चों का मतलब क्या होता है। तब अगर पकड़ने के लिए दे भी दिया जाएगा तो ये लोग नहीं पकड़ेंगे। तभी हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और बात कर रहे हैं, और आकृति के लिए मैगी बना था खाने के लिए, बाबू को भी बना था पर बाबू नहीं खाया, तो बाबू का भी आकृति ही खा गई। एक पैकेट बना था, उस 5 रुपये वाला था वो, और मामी बोल रही थी पकौड़ी बनाने के लिए पर हम लोग मना कर दिए। तो हम लोग के लिए देखे क्या बन के आता है। और छोटे वाले भैया हाथ पैर दबा रहे हैं, रक्षाबंधन वाले दिन भैया ये आए थे हमारे यहाँ पे, पर मैं इनका वीडियो भी अपलोड उस टाइप पर की थी, पर जैसा कि
मैं बताया था कि उस टाइम पर मेरा मोबाइल कुछ दिन के लिए ख़राब हो गया था, तो जितने भी इनके सारे वीडियो थे उस टाइम पर डिलीट हो गए ना, तो मैं इनका पर्चे उसी टाइम आप लोग को दे दी होती और उनसे मिलवा भी दी होती। तो ये बड़े वाले भैया जिसको लड़की भी हुए हैं और उनके छोटे वाले भाई हैं, और बाबू उनको बार बार परेशान कर रहा था ट्रैक्टर पर जाने के लिए, क्योंकि इनके फील्ड में एक ट्रैक्टर खड़ी थी तो बाबू को वहीं पर जाना था। और फिर हम उनसे जो छोटे वाले मामा हैं उनके घर पर आ गए, तो उनकी लड़की ससुराल से आई हैं, उनको लड़का हुआ है तो आकृति उसको लिए गोद में, फिर बाबू भी लेगा, तो ये लोग उसको फेरा रहे हैं बार बार। अब बाबू ने लिया है उसको भी इसी तरह से झुला रहे हैं, तो ये थोड़ा से बड़ा है और ये भी ये शायद 2 महीने का हो गया है, जबकि वो 10-15 दिन की ही केबल थी, तो फिर भी इसको भी तो संभालना था क्योंकि इसका भी गर्दन कहीं से झुक सकता था। और मामी पकड़ी थी बार बार उसको कि कहीं देवांशु गिरा ना दे उसको, और मुझे तो इतना डर लग रहा था कि अगर कुछ हुआ तो इन लोग को तो भाई खूब पीटती उस टाइम पे, लेकिन मामी थी, मामी सपोर्ट दी थी, मामी पकड़ी भी थी कि वो गिरे ना। तो अब हम लोग चलते हैं घूमने के लिए, तो ये हमारे देवर है जो मामा या छोटे वाले मामा हैं उनके लड़के हैं, तो अभी मजाक कर रहे थे, बोल रहे थे हमारे हैंड पाइप पे, नहीं बोल रहे मेरे के हैंड पंप, तो मैं बोलती मैं इनकी हैंड पाइप हूँ, और इसी बात पर हम लोग बहुत हंस रही रहे थे। और कोई जारगो बाज है उस साइड में, तो हम लोग वहीं पे लगे घुमाने के लिए। मैं फर्स्ट टाइम पे यहाँ पे गई हूँ, जबकि हम लोग के एरिया में मेरा मायके भी इधर ही है, मतलब मम्मी का मायके जहाँ पे, मम्मी के मायके से 20-25 किलोमीटर आगे दूसरे साइड में मेरा मायके है। मैं चाहती थी इधर घूम भी लेती, और मैं इसका नाम भी सुनी थी, पर मैं घूमने के लिए यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई हूँ, क्योंकि हमारे मायके में 2-3 लोकल एरिया में ऐसा ऐसा जगह है कि हम लोग वहीं पर इतना घूम लिए कि इधर आने का कभी प्लान ही नहीं बना, तो फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पर आई। और यहाँ का बाद आप लोग भी देख सकते हैं कितना बड़ा बाद, और पानी तो ऐसे दिख रहा था जैसे लग रहा था कि बालू का रेत हो, और मतलब बहुत दूर तक ये पानी था, आप लोग कितना दूर हम बताए, जिससे ऐसा लग रहा था कि पानी बस धुआं धुआं दिखाई दे रहा था, कोई गांव, कोई जगह, कोई पहाड़ कुछ दिखाई नहीं। और एक बात और इसमें बहुत अच्छी थी कि पानी जहाँ से था बीच में, ये आप लोग देखिए टापू आप लोग को दिखाई दे रहा होगा बीचों बीच, जैसे कि समुद्र में महाद्वीप होता है बिल्कुल उसी तरह से था। भैया बता रहे थे कि अगर थोड़ा हम लोग पहले आए होते तो नाव से मैं आप लोग को उस टीला पे उस टापू पे घुमा दिया होता, तो मैं तो मन ही मन ऐसे कान पकड़ रही थी कि अच्छा हुआ कि हम लोग थोड़ा लेट आए हैं, क्योंकि मुझे पानी के बीचों बीच, और इसकी गहराई भैया बता रहे थे कि 317 या 324 कुछ ऐसे फीट है। अब आप ही लोग सोच लो कितना गहरे पानी में किसका हिम्मत पड़ेगा उतरने के लिए, थोड़ा सा भी ना पता चला पलटी तो इधर से इधर हो जाएंगे हम लोग, तो अच्छा कि हम रोड ही घूम लें ना जाएँ वहाँ पर तो बढ़िया है। और मैं तो सिर्फ पानी ही देख देख कैसे मुझे चक्कर आ रहा था कि कितना बड़ा कितना विशाल है बांध है, और सिंचाई के लिए हम लगभग लोकल एरिया में हम लोग जितने भी किसान हैं यहीं से इसी बात से पानी वहाँ पर जाता है। और आप लोग ये रेलिंग जो देख रहे हैं बात का ये रेलिंग, और इधर आप लोहा दिख रहे हो आपको, तो भैया बताते कि 1 फीट की 0.5 फीट कुछ इस तरह से इसको उठाया जाता है अपना मशीन की सहायता से, तो फिर बाद वाला पानी जो नहरों में जाता है और उससे सिंचाई होती है। और बाबू तो इतना डिस्टर्ब कर दे रहा था कि मुझे इतना डर लग रहा था क्या बताएं, अगर एक बार भी हाथ छूटा या रेली के नीचे चला जाता तो पता चलता कभी मिलता ही नहीं, लेकिन वो मानने के लिए कहाँ तैयार था ना, गुस्सा रहा था। सच बताएं जगह तो बहुत अच्छा है घूमने के लिए, लेकिन बच्चों के लेकर जाने के लायक बिल्कुल भी नहीं है, कि बच्चे अगर बच्चों को लेकर जाना तो बहुत ही सावधानियाँ बरतनी पड़ेगी, जिस हिसाब से इसकी गहराई है पता चलता है कोई भी गिरता तुरंत नहीं मिलता है, 3 दिन 4 दिन 5 दिन ऐसे गोता खोर लोग ढूंढते हैं उसके बाद कोई मिलता है। तो अब आप ही लोग सोच लो कैसे बचो। अब बाबू इतना शैतानी करता है कहीं जाने के बाद कि क्या बताया जाए, इसलिए मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं घूम तो रही थी लेकिन पानी देखने में मुझे बाबू पर इतना गुस्सा आ रहा था उस टाइम, मन तो कर रहा था 3-4 थप्पड़ उसके कान के नीचे जड़ दूँ, इतना डिस्टर्ब कर दिया था मेरे तो। बड़े सारे लोग वीडियो फोटो ऐसे बना रहे थे घूम रहे थे, और मुझे केवल बाबू का टेंशन पकड़ा था कि बाबू को ही देखा जाए। अब भैया हर जगह पर ऐसे हाथ जोड़ जोड़ के जिस लोग निर्वाचित हुए हैं निर्वाचन के लिए वोट मांग रहे हैं उस तरह से, तो हम लोग आप लोग देख रहे हो उस वाले रेलिंग से आए हैं लगभग 1 किलोमीटर से कुछ कम ही दूरी पर आए थे, दूसरा वाला रेलिंग पड़ा है, और अब हम लोग बीचों बीच आ गए हैं बाद के, और इतना भयानक इतना डर लग रहा था कि क्या बताएं।
लेकिन मज़ा भी नहीं। अगर बाबू नहीं होता तो और अच्छा लगता घूमने में, लेकिन बाबू के होते हुए हम लोग बहुत डरे डरे से थे। आकृति तो आराम से चल भी रही थी, अच्छे से घूम भी रही थी, लेकिन बाबू तुरंत रेलिंग के ऊपर चढ़ जा रहा था, इतना गुस्सा आ रहा था उस टाइम पे। और मुझे डर अगर थोड़ा सा भी फिसला या फिर आप लोग रेलिंग के जो क्या बोलते हैं फासला है उसको देख लो आप लोग, उसमें बाबू आराम से चला जाएगा। उसके बाद अगर गिरता तो शायद बचता भी नहीं। और मैं उसको डांटी बिगड़ी घर पे आने के बाद, मैं उसको डांटे तो बोल रहा था कि तो क्या हुआ मैं गिरता तो फिर चार दिन के बाद फिर से आपके पेट पे आ जाता, तो इस तरह से हरकत करता। और आप लोग देख रहे थे इतना बाद और बाहर के दूसरे तरफ इस तरह से पहाड़ की चोटियाँ खूब बनी हुई थी। और ये सीढ़ी है, सीढ़ी पर लिखा था ऊपर जाना मना, लेकिन दो चार लोग ऐसे घूम भी रहे थे तो हम लोग भी दो सीढ़ी ऊपर चढ़े हुए थे, क्योंकि बस ज़्यादा सीढ़ी नहीं चढ़ सकती, ऊपर तक जाना भी बहुत डर। अगर मैं अकेले होती तो और अच्छे से घूमती और अच्छे से ली होती वीडियो, लेकिन बाबू साथ में था इतना डिस्टर्ब किया था, इसलिए मैं बहुत हल्का हल्का वीडियो हर जगह रुक रुक के ली हूँ उसको देखते हुए। और उसको इस तरह से ज़बरदस्ती कोई ना कोई हाथ पकड़ा रहता था यहाँ पर, क्योंकि अगर हाथ नहीं पकड़ा जाता तो कब उसके अंदर चला जाता पता ही नहीं चलता। और जहाँ पे खड़े इनके पीछे आपको एक टापू दिखाई दे रहा होगा, तो वही टीला है जहाँ पे भैया जाने के लिए बोल रहे थे, तो अच्छा हुआ कि नहीं हम लोग गए। और इधर बकरिया भेड़ सब दिखाई दे रही थी, तो हम लोग वहाँ से घूम लिए हैं। अब वापस जा रहे हैं क्योंकि शाम भी गए और घर भी जाना है, तो जल्दी निकलेंगे तो जल्दी घर पहुँचेंगे, हम लोग तो लेट हो जाएगा। और अभी शाम 6 या 6:30 बज रहे होंगे, तो हम लोग को घर जाने में भी 1 से 1.5 घंटा लगेगा। और ये वाले भैया जब भी मिलते बहुत ही मस्ती मजाक करते हैं हम लोग के साथ, अच्छा भी लगता है और टाइम पास बहुत जल्दी हो जाता है पता नहीं चलता है। तो ये आ जाते हैं तो हम तो चाहते हैं घर पर भी आए, लेकिन बहुत कम आते हैं मेरे यहाँ, लगभग इनको आए 1.5 साल हो गया यहाँ पर, लेकिन फ़ोन पर बातें होती रहती हैं और जब भी बातें होगी हमेशा मस्ती वाली बातें ही करते रहते हैं। और ख़ास कर मेरी सिस्टर लोग को लेके छेड़ते रहते हैं इनको जलाने के लिए, बोलते हैं कि भैया आप इस अलियाँ मेरे से पट गई है वो, तो हम लोग को बहुत हंसी आती है इनकी बातें सुन के। और आप लोग इनको देख भी सकते हो कि ये कौन है क्या है कैसे है, कभी सामने आएंगे अगर यहाँ घर पे तो मैं लोग इनसे मतलब बातें करके आप लोग से साथ बातें करवा के इनको ज़रूर मिलवाऊँगी। फिलहाल मैं इसे इतना ही मिला दी। और बाबू को देख लीजिए आप लोग कि मतलब पूरे रास्ते इसका हाथ पकड़ के जाना था। अगर आप लोग लोकल एरिया से जो भी हो यहाँ पर आप ज़रूर आके घूम लीजिएगा, बट अगर आपके साथ बच्चे हो तो बिल्कुल भी लेके मत आइएगा, क्योंकि बच्चे लेकर अगर आएंगे तो जो प्रॉब्लम मुझे हुई वही प्रॉब्लम आप लोग को भी हो सकती है। क्या बोलते हैं बच्चे की तो पकड़ ले या फिर हम लोग घूम ले अच्छे से। मैं नेक्स्ट टाइम जब भी आऊँगी कोशिश करूँगी कि बाबू को 1.5 घंटा मम्मी के यहाँ छोड़ के आऊँ वो, और उसी टाइम पे आऊँ जब मम्मी अपने मायके आए और मैं भी साथ में आऊँ, तो मम्मी अपने मायके में बाबू को देख लेगी और मैं इधर आके घूम लूँगी। तो हम लोग एकदम रिटर्न हो गए हैं, और एक तरफ पहाड़ी थी और एक तरफ खाई, मतलब कि अगर एक्सीडेंट हो जाए गाड़ी का भगवान न करे, अदरवाइज किसी भी गाड़ी का अगर रात के टाइम एक्सीडेंट हो जाए तो खाई में गाड़ी जाएगी तब भी आदमी को मरना है, और इधर बाघ के साइड में जाएगी तब भी आदमी को मरना ही है। तो मम्मी की जो चाची जी है मतलब सासुमा की जो चाची जी हैं वो बताती हैं कि 50 गांव और 7 नदी कुछ ऐसे मिलाकर इस बात को बनाया गया। अब आप लोग सोच लो 50 गांव का मतलब कितना हो गया। अगर एक गांव भी आप लगभग 3 से 4 किलोमीटर में बसता है एक गांव भी, तो 50 गांव मतलब बहुत ही हो गया, इतना लंबा चौड़ा ये बांध है। और आप लोग देख ही रहे हो कि पूरा धुआं धुआं जैसा दिख रहा है, कहीं नहीं समझ में आ रहा है कि कहीं पर गांव है या नहीं है, सिर्फ धुआं धुआं ही दिखेगा। और इतना पतला सा रोड था, लगभग एक गाड़ी आ सकती थी एक गाड़ी पास हो सकती थी, बस इतना ही रोड था। अगर ट्रक आ जाए तो वो भी पास लेने वाला जगह नहीं है, इसलिए शायद इधर ट्रक अलाउ भी ना हो। और लेकिन बहुत ही अच्छा एरिया था, बहुत ही अच्छा लग रहा था इधर, और बादल वाला मौसम था तो और मस्त लग रहा था। अगर बारिश हो सकती तो और मज़ा आ जाता। और आप लोग पीछे से मैं आप लोग एक बार दिखा दे कि देख लो ये कितना खतरनाक एरिया इधर का है। तो हम लोग रिटर्न हो गए और शाम भी हो रहा है अभी।
हाथ जो सब जोड़ रहे हैं, क्योंकि आज इनके दुकान का जो नौकर है वो नहीं आया था, तो भैया के दुकान बीज वाला दुकान है, तो मैं ऐसे सोची थी कि बीज ले लूँगी, धनिया का, पालक का, गाजर का, और कुछ जगह मेरे यहाँ पे खाली मैं उस पर लगा दूँगी। तो भैया ही दे रहे थे और उनको लगा कि मैं वाला वीडियो अपने सिस्टर लोग को भेज दूँगी, इसलिए वो क्या बोलते हैं मुँह पर बात ली, तो बहुत हंसी आई हमको, बोल रहे थे कि अब बस करो रहने दो। तो हम लोग वहाँ से बीज लेके निकल लिए घर के लिए, और अब मैं जा रही हूँ घर। तो फिर वही ये वाला रास्ता तो आप लोग देखे ही होंगे, जब मैं पेपर देने गई थी तो इस रास्ते से आप लोग को मैं दिखाई थी। तो ये मटोरे स्टेशन है बनारस का, उसके बाद चौका घर और फिर कचहरी हम लोग का घर। तो हम लोग आ गए घर पर और हम लोग को घर आते आते रात हो गया था, और लगभग रात के 8-8:30 बज गए थे घर आते आते। तो भी हम लोग कैंट आ गए, और कैंट के बाद फिर कचहरी पड़ेगा। तो घर जाके हम लोग तो इतना थक गए कि नहाएंगे, नहाने के बाद थोड़ा देर आराम करेंगे, और हम लोग सोच रहे कि रास्ते से कुछ लेते चले घर खाने के लिए, क्योंकि इतना हिम्मत है ही नहीं कि अब हम घर पर जाके कुछ बना पाएंगे। मतलब आप बोल सकते हो 60-65 आना, 60-65 जाना, फिर एक्स्ट्रा 10 किलोमीटर आगे जाके घूमना, ये कोई मामूली सी बात नहीं है घूमना। तो काफ़ी हम लोग थक चुके हैं, और कहीं कहीं पे थोड़ा थोड़ा जाम भी मिल रहा था। जब से लॉकडाउन वाला सिस्टम ख़त्म हो गया है, इतनी गाड़ियाँ निकल गई है रोड पे कि कहाँ से किस रास्ते से कौन जाए समझ में ही नहीं आता है। और आप लोग भी देख रहे हो कितना जाम सा लगा है। तो अब हम लोग घर पहुँचते हैं, उसके बाद अब कल मिलेंगे आपसे हम लोग। और हमारे जो पर्पल काम से हमारा प्रोडक्ट आया है मेकअप का, मैं उसको आप लोग को दिखाऊंगी, और उससे मैं एक मेकअप भी करके आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो आज के लिए मैं सोच रही हूँ रहने दो इतना, और अब भी मैं आप लोग से कल मिलती हूँ, और साथ में अपने पर्पल वाले प्रोडक्ट के साथ ही मिलती हूँ। तो मैं आर्डर की थी, इसके 3-4 दिन के बाद ही मेरा सारा प्रोडक्ट जो है आ गया। मैं मीशो से भी आर्डर की, लेकिन वो अभी नहीं आया है, लेकिन पर्पल का जितना भी प्रोडक्ट था एक साथ में ही आ गया है। सिर्फ एक प्रोडक्ट था उसी दिन आया, लेकिन 1-1.5 घंटे बाद आया था, और बाकी सारे सुबह में ही आ गए थे। तो चलिए ठीक है, फिर आप लोग देख भी रहे हो कितना जाम लगा है। आज के लिए बस इतना रहने देती हूँ, और कल अपने नए प्रोडक्ट मतलब पर्पल के प्रोडक्ट के साथ मिलती हूँ। तब तक बाय बाय। आयुर्वेदा का चॉकलेट फेशियल किट है, और इसका प्राइस कुछ 625 रुपये है। तो अभी मैं फेशियल नहीं कर रही, लेकिन जब करूँगी तो जरूर दिखा दूँगी तेरा फेशियल किट मेरा। और उसके बाद एक हाइलाइटर मैं मंगाई थी, इसका बाकी तो नहीं शो कर रहा है, लेकिन हाइलाइटर मैं मंगाई हूँ। और उसके बाद ये ब्लू कलर का आईलाइनर, क्योंकि ब्लैक आईलाइनर तो लगभग सभी लोग ही यूज़ करते हैं, मैं भी यूज़ करती हूँ, लेकिन मैं सोची कि एक बार इसको मैं ट्राई कर लेती हूँ कि इसका कैसा आता है रिस्पॉन्स। तो ये ब्लू आईलाइनर है, और उसके बाद है गुडवाइफ का ये फेस सीरम, गुडवाइफ का ये फेस सीरम है, और क्या है, और उसके बाद आता है ये फेसियल आयल है गुडवाइफ का फेसियल आयल। उसके बाद है काजल, और उसके बाद है पर्पल ट्रट जेल 24 गोल्ड प्राइमर, ये प्राइमर है, और हैंड सैनिटाइजर, इसमें फ्री मिला था हैंड सैनिटाइजर, किसके साथ फ्री है तो मैं नहीं बता सकती, शायद सात फाउंडेशन के साथ इसको फ्री दिया गया था, तो ये हैंड सैनिटाइजर फ्री मिला है। और एक चीज़ और फ्री मिला था, और कुछ गुडवाइफ का पपाया का फेस वॉश का शायद वो भी फ्री मिला था। और उसके बाद आता है ये चारकोल, तो गुडवाइफ का चारकोल पाउडर भी है, और इसकी मुझे सख्त ज़रूरत है, क्योंकि मेरा तो कुछ काफ़ी रुका रुका और ड्राई हो गया है, इसलिए मैंने इसको मंगाया है ताकि मैं
काम करते हुए इसको लगा के 15 मिनट छोड़ दूंगी और सूख जाएगा और मुँह धोलूँगी। तो बहुत आसान है इसको लगाना। आप इसको गुलाबरी या सादे पानी के साथ भी लगा सकते हो। तो ये रहा गुड वाइफ का चॉकलेट पाउडर, चारकोल पाउडर और जो भी बोल दो, चॉकलेट नहीं चारकोल ही बोलेंगे हम लोग, चारकोल पाउडर। और उसके बाद गुड वाइफ का क्या है, मॉइस्चराइजर फेस क्रीम है, ये गुड वाइफ का फेस क्रीम है। अभी मैं फर्स्ट टाइम पर्पल से शॉपिंग की हूँ और फर्स्ट टाइम मैं गुड वाइफ ब्रांड का प्रोडक्ट जो है उसको यूज भी कर रही हूँ। तो देखते हैं कि इसका रिस्पांस कैसा आता है। कोई चीज़ बिना लगाए हम लोग रिस्पांस बता नहीं सकते हैं। तो अभी फीडबैक मांगा था उसमें, तो मैं फीडबैक उसमें फोड़ दी हूँ। एक फीडबैक मेरा रह गया, तो फीडबैक मैं तब दूँगी जब इसका रिस्पांस मुझे अच्छा मिलेगा उस टाइम पर। तो ये फेस क्रीम है और उसके बाद आता है आई शेडो। ये 6 कलर में है, आप लोग देख सकते हो 6 कलर का पैक इसका है। मैं इसे खोल के दिखा देती हूँ। मुझे लगा काफ़ी बड़ा होगा लेकिन बस मेरे फोन के बराबर ही है, आप लोग देख भी सकते हो। और उस टाइम में मुझे लगा कि इतना बड़ा मिलेगा लेकिन उंगलियाँ कट हो गई हैं, बस इतना पैन आया है। तो मैं इसको खोल के देख लेती हूँ और आप लोग को भी दिखा देती हूँ। वैसे मेरे पास आई शेडो था और वो 12 कलर का था, तो लेकिन मैं फिर भी पर्पल से शॉपिंग की, एक दो जेड शॉपिंग को की हूँ, शायद एक दो चीज़ में भूल गई हूँ तो उसको छोड़ दी हूँ। बाकी जितना मुझे याद था मैं सब मंगाई हूँ ताकि ये देखने के लिए रिस्पांस का कैसा मिलता है। अभी ये पैक अभी खोल भी नहीं रहा है। चलिए कोई नहीं, मैं जब मेकअप करूँगी उस टाइम पर खोल के इसको दिखा दूँगी। अभी मैं ऐसे ही दिखा दे रही हूँ आप लोग को। पिंक है, रोजी पिंक है और उसके बाद चॉकलेटी कलर है और क्रीम कलर है, कुछ इसी तरह से 6 कलर है। उसके बाद आता है हमारा कुछ कुछ देखे कुछ इसमें लिपटा हुआ ही देख लिए थे, तो कुछ लिपटा भी आ रही है पेपर में अभी। ये मैट प्रोफेशनल है कुछ करके, ऐसे फाउंडेशन है और जैसे कहा जाता है कि मतलब प्लस में ही पाने के लिए माइनस में ना ले तो सही है। तो फेस के हिसाब से मैंने एक प्लस ही लिया है इसको, तेरा मेरा फाउंडेशन। और उसके बाद आता है कम्पैक्ट है पर्पल का, पर्पल काम से पर्पल का ही कम्पैक्ट है आया हुआ। तो मेरे पास कॉम्पैक्ट नहीं था, इस टाइम पे ख़राब हो गया था। तो मैं कहीं भी जाती थी तो मेकअप के टाइम पर डेली यूज वाला पाउडर ही यूज़ करती थी। तो मैं सोची इसको अगर मंगा लूँ, और मंगाती तो ज़रूर, लेकिन बच्चे जानते हैं आप लोग के जिसके घर में बच्चे हो कुछ तो कुछ नुकसान करते रहते हैं। तो जैसे ही आया आप लोग देख सकते हैं कि अगर इसको तोड़ ओड़ भी दिए अंदर से लगाते टाइम पे, कुछ इस तरह से है, बच गया थोड़ा सा। बट इसीलिए मैं इसको नहीं मंगाती, इससे अच्छा मैं डेली उसका पाउडर लगा लेती हूँ। लेकिन क्या करूँ, लेकिन क्या बोलते, ज़्यादा ज़रूरी हो गया था तो मैं इसको मंगा लेती। और उसके बाद क्या है, ये ऑरेंज जेल है, गुड वाइफ का ही ऑरेंज जेल है। फेस जेल मैंने मंगाया है इसके, ये फेस जेल ऑरेंज का गुड वाइफ का है। और उसके बाद एक मेकअप ब्रश मैंने मंगाया था, मुझे ब्रश बहुत अच्छा लगा और मंगाने, मेरे पास तो ब्रश का पूरा सेट था लेकिन मुझे एक सिंगल ब्रश इस तरह से जो इसको बहुत ज़रूरी था इसलिए मैंने इसको मंगा लिया है। तो एक मेरा ये ब्रश है। और उसके बाद एक मैंने ये शैम्पू है, ये तो बिल्कुल भी नहीं खुला है, एकदम जैसे का वैसा पैक भी है। तो इसको मैं एक बार खोल के देख लेती हूँ और आपको भी दिखा लेती हूँ। सेंटिने, ये देखिए आप लोग, ओनियन हेयर कंट्रोल, हेयर फॉल कंट्रोल शैम्पू भी, पता नहीं क्या 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 सब दिया है काम है। और उसके बाद व्हाइट प्रोटीन सोया ऐसे ही सब कुछ है, ओनियन शैम्पू, इसका महक अच्छा आ रहा है अभी। अब लगाने के बाद पता, पहले तो मैं सोची ओनियन का है, पता नहीं कैसा क्या होगा, लेकिन ठीक है। एक हेयर फॉल के लिए ओनियन ऑयल भी था, लेकिन ओनियन ऑयल मैं घर पर ही बना लेती हूँ। वैसे मुझे ऐसा लगता नहीं कोई रिस्पॉन्स उसका मिला हो, लेकिन अभी शैम्पू और तेल मैं दोनों साथ में यूज करती हूँ, फिर देखती हूँ कि दोनों का रिस्पांस कैसा आता है।
तो हेयर कंट्रोल, हेयर फॉल, हेयर कंट्रोल जो भी बोले शैम्पू है। और हाँ, उसके बाद भी बच गया रोज़ ग्लो वाटर गुड वाइफ का, लगभग सारे प्रोडक्ट गुड वाइफ का ही मैं ली हूँ क्योंकि मुझे गुड वाइफ का प्रोडक्ट ही यूज करना था और उसका रिस्पॉन्स देखना था, इसलिए मैं ज़्यादा सब गुड वाइफ का ही ऑर्डर की। एक तो ऐसा था जो अदर प्रोडक्ट से आ गया है, जैसे कि पर्पल का आ गया है कंपर, और प्राइमर, प्राइमर भी पर्पल का ही है, ये दोनों प्राइमर और कंपर दोनों पर्पल के आए हुए हैं। बाकी जितने सब ये भी फिट और कुछ ऐसे करके फिट नहीं करके कुछ ऐसे इसका कंपनी का नाम दिया है प्रोडक्ट का, और मैं तो बाकी सब जितने गुड वाइफ हैं। और उसके बाद मेरे पास नेल पॉलिश तो था ही, लेकिन कैम्बो पैक था, फिर से मैं नेल पॉलिश ऑर्डर की हूँ। और पॉले वाला नेल पॉलिश जो मैं वो भी साथ में ली हूँ, तो ये पॉले वाला जो है वो ये है, इसको मैं मार्केट से ली थी, ये जो है मैं मार्केट से ली थी जब मैं गई थी जे एच डी मॉल में, तो उस टाइम पर मैं इसको ली थी। और बाकी अभी जो है मैं मंगवाई हूँ, तो अभी मैं थीनर से इसको छोड़ाऊँगी, फिर इसका लगाऊँगी और इसका रिस्पॉन्स देखूँगी। तो ये 6 कलर में था, एक कलर तो ही और जो है गिर गया है, 5 कलर नहीं, ब्लू कलर नहीं है इसमें, बहुत सारे फैल गए हैं ये कुछ। हाँ ये पे है, ये 6 कलर में था पैक। और उसके बाद क्या है, क्या है, बस इतना ही है, बाकी सब कुछ ख़त्म हो गया। तो एक बार मैं आप लोग को ऐसे दिखा देती हूँ, पापा ग्रीन कलर है और कौन कलर है, अच्छा हेयर कलर भी किया ना, हेयर कलर भी दिखाओ अपना, अपना हेयर कलर हेयर कलर दिखा दो, ऐसे करो आकृति ना नेल पॉलिश से इधर हेयर कलर कितना नहीं चलो दिखाओ, ऐसे ऐसे चेहरा करो, ऐसे खड़े जाओ, खड़े जाओ अच्छे बच्चे की तरह, दिखाओ दिखाओ सब पूरा हेयर कलर ऊपर चढ़े आएंगे तुम्हें जानती हूँ। स्टार्ट करते हैं अपना एक बार मेकअप यू से, तो पहले बाल को, पहले बाल को ऐसे बनवा लेते, नहीं तो मेकअप करने में बहुत दिक्कत आता है। पहले फेस को साफ कर लेते हैं, अब हो गया मेरा फेस साफ, थोड़ा सा ड्राई कर देते हैं इसको, अब स्किन ड्राई हो गया है तो आप स्टार्ट करते हैं अपने मेकअप को। और सबसे फर्स्ट यहाँ मॉइस्चराइजर लगाए, तो मॉइस्चराइजर की जगह मैं फेसियल लाई हूँ, तो मैं जो प्रोडक्ट लाई हुई उसी को यूज़ करके मेकअप करना चाहती हूँ, तो गुड आइट का फेसियल आया ना, मैं इससे ही स्टार्ट करती हूँ। फेसियल को अच्छे से लगा लेती हूँ पहले, मॉइस्चराइजर का ज़रूरत होता है, तो मॉइस्चराइजर से मैं फेसियल आयल लगा रही हूँ, उसके बाद मैं प्राइमर यूज करूँगी, तो फेसियल आयल मेरा अच्छे से लग गया है सब जगह पे। अब देखना ये है कि मेकअप कितने देर तक टिकता है इसका, पता नहीं क्यों आँख बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। उसके बाद आती है बारी प्राइमर की, तो पर्पल का प्राइमर है, जैसे कि वो ऑफ बहुत ही अच्छा है, पहले मैं प्राइमर को लगा लेती हूँ अच्छे से, इसको कुछ लगाने के लिए दिया नहीं है, ऐसा मतलब निकल रहा समझ में नहीं आ रहा है। प्राइमर को सूख जाने देते हैं, 2-3 सेकेंड लगेगा उसको सूखने के लिए।
प्राइमर हमारा अच्छे से सूख गया, फेस में मिल भी गया है, तो अब मैं ला लेती हूँ सीरम। जब हम लोग फेशियल करते हैं तो हमारा स्किन या फिर फेस पैक लगाते हैं, उसके बाद हम लोग को सीरम की अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि उस टाइम पे कोई मॉइस्चराइजर क्रीम मिले तभी आप सीरम लगा के स्किन क्या बोलते हैं सॉफ्ट कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से मेकअप ज़्यादा सीरम पे जरूरत तब उसी टाइम पड़ती है जब आप फेस पैक लगाओ या स्क्रब करो या फिर फेशियल करो चेहरे पे। बात ये बारी कंसीलर की, तो कंसीलर शायद मैं कंसीलर नहीं मंगाई, कंसीलर मैं अपना यूज कर लेती हूँ। तो पहले मैं कंसीलर को लगा लेती हूँ, और जहाँ जहाँ ज़्यादा ड्रग्स है मुझे वहीं पर मैं लगाती हूँ, तो मुझे यहाँ पर ज़्यादा दिखाई दे रहा है इसलिए मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ। और अक्सर आके नीचे काला काला दिखता है और होठ के नीचे दाढ़ी के पास भी इतना काला काला दिखता है, इसलिए मैं वहाँ पर ज़्यादा यूज कर रही हूँ। तो अभी मैं ब्लेंडर से इसको अच्छे से मिला लेती हूँ, फिर उसके बाद आती है बारी हमारी क्या बोलते हैं फाउंडेशन की। तो अभी मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लिया, अब इसके बारे में बारी आ गई फाउंडेशन की, तो मैं लगा लेती हूँ अच्छे से फाउंडेशन को। तो पहले मैं सोच रही हूँ कि आज आईलाइनर मेकअप करूँ, क्योंकि मैं कभी आईलाइनर मेकअप पहले नहीं करती हूँ, सॉरी मतलब आई मेकअप नहीं करती हूँ पहले। आज फर्स्ट टाइम मैं सोच रही हूँ कि आज आई मेकअप पहले कर लूँ, उसके बाद फिर और सारा मेकअप करूँ, क्योंकि अक्सर मैं देखती हूँ लोग पहले आई मेकअप ही करते हैं और मैं आई मेकअप को लास्ट में रखती हूँ। लेकिन आज मेरा मन किया कि मैं पहले आई मेकअप को ही करूँ, तो पहले फाउंडेशन को अच्छे से लगा लेती हूँ और नेक पे भी अच्छे से मैं लगा लूँगी, ताकि वहाँ पर काला काला ना दिखे, क्योंकि नेक भी हमारे चेहरे का ही हिस्सा है और वो भी दिखता रहता है, इसलिए उसको भी ढकना ज़रूरी होता है। तो अभी मैं फाउंडेशन को अच्छे से लगा ली। अब आती है आई शेडो की बारी, तो मैं लाइटली ब्राउन कलर का ली हूँ आई शेडो को, और आकृति को आप लोग देख लीजिएगा जो जो मैं करूँगी साथ में पीछे पीछे वो भी वही करती है, और जितना मैं बोलती हूँ उतना वो नॉर्मली ओरिजिनल लैंग्वेज में अपना बोल रही है, क्योंकि अगर मैं वॉइस वाला करती तो आप लोग उसके वॉइस को ज़रूर सुनते। तो मेरा आई शेडो अच्छे से लग गया है, अब मैं इसमें लगा लेती हूँ आईलाइनर। तो आईलाइनर पहले मैं सोची कि ब्रांजर लगा लूँ, तो पहले मैं ब्रांजर कर लेती हूँ, उसके बाद फिर आई शेडो को एक बार फिर से मिला लूँगी, और उसके बाद फिर बारी आएगी हमारे आईलाइनर की। तो मैं ब्लू आईलाइनर को भी आज यूज करना चाहती हूँ। तो जैसा मैं बताया कि मैं जितने प्रोडक्ट लें मैं उनको यूज करना चाहती हूँ, उनसे ही मेकअप करना चाहती हूँ, तो इसलिए मैं उसी मेकअप से ही मेकअप करूँगी, अपने अदरवाइज मेकअप को यूज नहीं करूँगी। बट मैं कंसीलर भूल गई थी इसलिए मैं अपने कंसीलर को यूज कर ली, नहीं तो जितने भी सारे मेकअप प्रोडक्ट मैं इस टाइम लाई उसी से ही मेकअप का लुक दे रही हूँ। तो अब आपके कंपैक्ट के बारे, तो मैं कंपैक्ट को भी अच्छे से लगा लेती हूँ और आँख वाले हिस्से को छोड़ देती हूँ जहाँ पर मैं आई शेडो लगाई थी। तो इसको लगाने के बाद अब आईलाइनर मैं सोच रही हूँ कि लगा लूँ इसके बाद। तो अब थोड़ा थोड़ा चेहरा आप लोग देख सकते हो कि निखार आ रहा है, और जितना मैं गुड वाइब के बारे में सुनी थी उससे कुछ ज़्यादा ही अच्छा रिस्पांस मुझे मिल रहा है। तो अभी फर्स्ट टाइम है, मैं 2-3-4 बार लगाऊँगी, इसके बाद तो जो भी रिस्पांस मिल रहा होगा समझ में आ ही जाएगा। तो मैं वाइट कलर का हाईलाइटर ली हूँ और एब्रो के नीचे इसको लगा लेती हूँ, क्योंकि हाईलाइटर की मुझे जहाँ जहाँ ज़रूरत है मैं उसको वहाँ पर लगा लेती हूँ। तो मुझे फ्लैश वाले कैमरे मतलब अपने मोबाइल वाले कैमरे से अच्छे से नहीं दिख रहा था, तो इसलिए मैं आईलाइनर वाला जो मिरर है मैं उससे लगाना स्टार्ट कर दी, क्योंकि उससे ले जाना ज़रूरी है ताकि उसमें चेहरा फेस दिखे, और जहाँ जहाँ मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा मैं उसको साफ कर ली। तो अब आती है बारी एब्रो पेंसिल की, तो एब्रो पेंसिल नहीं है मेरे पास इस टाइम पर, तो मैं काजल से ही हल्का एब्रो पेंसिल कर ली हूँ। अब उसके बाद मुझे आई शेडो थोड़ा जहाँ जहाँ पर डार्क करना था वहाँ पर मैं पिंक कलर से कुछ इस तरह से डार्क कर दे रही हूँ, और बिल्कुल लाइटली ही रख रही हूँ। मैं भी जब एक मेकअप तीज पे की थी उस टाइम पे भी मेरा लाइट मेकअप था, और आज भी मेरा लाइट मेकअप ही है। मैं कोई भी पार्टी फंक्शन तो पड़ नहीं रहा कि मैं ओरिजिनल पार्टी मेकअप दिखाऊँ, इसलिए मैं दिन के लिए ही मेकअप दिखा रही हूँ। तो अब आती है बारी हमारी
काजल उसे भी मैं लगा हुआ था और लिपस्टिक भी लगा हुआ है, तो मैं इन दोनों चीज़ों को छोड़ के बाकी करूँगी। मैं मस्करा भी नहीं यूज की हूँ इस टाइम पे, घर पे ही रहना है इसलिए मैं मस्करा नहीं यूज की। मैं इतना ही मेकअप ली हूँ कि शाम तक का काम हो जाए और पता भी ना चले, तो मैं ब्लू आईलाइनर को भी यूज कर ली और उसके बाद फिर मैं कॉम्पैक्ट को लगा लेती हूँ जहाँ जहाँ पर मुझे डार्क दिख रहा है वहाँ पर। अब उसके बाद आती है बारी क्या बोलते हैं, मैं खुद ही भूल जाती हूँ कि मुझे क्या बोलना है नहीं बोलना है, तो आप लोग उसको इग्नोर कर दिया करिए कि मैं क्या बोलती हूँ। तो मैं एक बार बच्चे को अच्छे से फेस को साफ कर लेती हूँ और उसके बाद लेस में कर मैं लगा लेती हूँ। तो इस मेकअप को आप चाहोगे तो मार्केट में या किसी फ्रेंड के साथ मिलने जा रहे हो या घूमने जा रहे हो तो उसके साथ इस तरह से लाइटली मेकअप करके आप जा सकते हो। कुछ इस तरह से ही मेरा मेकअप है। अगर आप कॉलेज जाना है तो कॉलेज के लिए भी आप इस तरह के मेकअप कर सकते हो, बट ब्लू आईलाइनर को हटाकर, क्योंकि ब्लू आईलाइनर कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा कॉलेज के लिए। तो कॉलेज के लिए ब्लू आईलाइनर हटा के बाकी आप सारे जो सब कर सकते हो। तो अब आती है बारी हमारे जो पर्पल काम से हम मंगाए हैं हाइलाइटर उसकी, तो मैं उसको यूज करती हूँ। और ये कुछ लाइटली ब्राउन कलर का है तो आप लोग फेस पे देख ही सकते हो कि कुछ इस तरह। और मुझे इसकी ज़रूरत भी थी क्योंकि ये मेरे फेस के लिए काफ़ी ही ठीक ठाक है, क्योंकि और सारे जो कुछ ज़्यादा ही ओवर दिख जा रहा था, लेकिन ये ठीक है और अच्छा भी लग रहा है, शाइनिंग भी अच्छा दे रहा है। तो मैं अपने नोज के पास और उसके बाद होठ के नीचे हर कलर का और गाल पे जो उसके पास इसको लगा लेती हूँ। और फाइनली अब मेरा मेकअप हो भी गया है, तो मैं मेकअप स्प्रे नहीं यूज कर रही हूँ, घर पे ही रहना है इसलिए मैं कितनी बार मैं बोल चुकी हूँ। तो मैं बिंदी भी लगा ली, अब उसके बाद अपने बाल को खोल लेती हूँ। और आप लोग बाल खुला स्टाइल या बाल की कोई भी स्टाइल रख सकते हो, तो मैं बाल जो है खुले हुए स्टाइल को ही रख रही हूँ। और तो आप लोग देख लो फाइनली ये रहा मेरा मेकअप। और ये मेकअप आप कभी भी कहीं भी किसी टाइम भी कर सकते हो, अगर आप घर पे रहना घर पे मेहमान आना तब भी ये वाला मेकअप आप रख सकते हो। तो आप लोग बताना कि मेरा मेकअप आप लोग को कैसा लगा, और प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर किया करें। बाय बाय गाइज, गुड नाइट।